अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास नाउ टुडे वी विल डू पेज नंबर 160 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 सेज टेक एक्स वाई लाइन सेगमेंट 12 सेंटीमीटर आपने एक्स वाई जो है एक लाइन ड्रा करनी है 12 सेंटीमीटर की और के एल 12 सेंटीमीटर की यानी एक्स वाई भी 12 सेंटीमीटर की और के एल भी 12 सेंटीमीटर की है उसके बाद जो एक्स वाई है आपने पैरेलल लेनी है के एल के यानी आपकी दोनों लाइन्स आपस में क्या हो पैरेलल हो और आपने इसको जो है अभी कैसे पैरेलल करना है बाय यूजिंग अ सेट स्क्वायर की मदद से सेट स्क्वायर क्या होता है अभी जब आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स जो है परचेज करने जाते हैं जिसमें आपके कंपास प्रोटेक्टर वगैरह होते हैं अभी तो उसमें आपके पास जो है अभी एक इंस्ट्रूमेंट होगा इस तरह का ठीक है यहाँ आपके पास एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा अभी तो इसको हम कहते हैं सेट स्क्वायर अब इसकी मदद से जो है अभी हम अपने पैरेलल लाइंस ड्रा करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक हम लाइन ड्रा करेंगे लाइन सेगमेंट 12 सेंटीमीटर की एक्स वाई ये हमने एक्स वाई लाइन सेगमेंट जो है अभी ड्रा कर लिया 12 सेंटीमीटर की नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे हम अपना सेट स्क्वायर लेंगे उसको हम इस तरह जो है प्लेस करेंगे इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल ये इसकी बिल्कुल पैरेलल हो गई अब बिल्कुल इसके साथ ही हम जो है अभी यहाँ पे स्केल प्लेस करेंगे ये दोनों हमारे पास इस तरह हो जाएंगे फिर हमने क्या करना है ये स्केल हमारे पास इस तरह रहेगा बिल्कुल और हम इस अपने सेट स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे इस स्केल के अलोंग जो है अभी ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे उस पॉइंट को हम अपनी मर्जी से जो है अभी एक डॉट लगा लेंगे हमने यहाँ पे जो है अभी अपनी नेक्स्ट लाइन पैरेलल लाइन जो है ड्रा करनी है के एल तो मैंने यहाँ पे एक डॉट पुट करा था थोड़े से डिस्टेंस पे तो यहाँ पे लाके मैंने अपना सेट स्क्वायर रख लिया ये सेट स्क्वायर आ गया अब हम यहाँ पे जो है अभी अपने एक लाइन ड्रा करेंगे इसके सेट स्क्वायर के अलोंग जिसकी मदद से जो है अभी ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है देख रहे हैं आप कि यहाँ पे एक लाइन जो है मैंने ड्रा कर लिया है एक्स वाई लाइन के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रा की है अभी अब हम इसको क्या नाम देना अभी हम इसको नाम देंगे के एल का अगर हमारे पास उसने कहा था एक्स वाई 12 सेंटीमीटर तो के एल भी 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए तो हम इसको जो है अभी स्केल से मेजर करके 12 सेंटीमीटर ड्रा कर लेंगे और जो है हमारे पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है हमारे पैरेलल लाइंस के ऊपर ऐसे जो है अभी ये एरो हेड होते हैं अभी जिनके ऊपर हमारे पास एरो हेड गिवन हो सेम सम टाइम्स जो है भी सिंगल एरो हेड गिवन होते हैं और सम टाइम्स क्या होते हैं भी हमें यहाँ पे डबल एरो हेड गिवन होते हैं भी ये हमारी जो है भी अपनी चॉइस मतलब हम सिंगल ड्रा करना चाहते हैं एरो हेड तो सिंगल कर लें डबल ड्रा करना चाहते हैं तो हम इसको डबल एरो हेड ड्रा कर सकते हैं अभी